सामने ये मंदिर है छोटा सा, वहाँ भी ले चलेंगे आप सभी को। तो मित्रों अभी आपको ले चलते हैं, कुछ और दिखाने की कोशिश है हमारी, तो चलिए दिखाते हैं। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूल फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। मार साले का खोपड़ी तोड़ दे, खोपड़ी तोड़ साले। तो हेलो मित्रों, सभी को राम राम, जय श्री राधे कृष्ण, सत श्री अकाल। तो आई होप आप लोग मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो मैं फिर से आप सभी के साथ जुड़ चुका हूँ, मैं राम बाबू मौर्या। मैं अभी हूँ अयोध्या में, तो अयोध्या का ब्लॉग शूट कर रहा हूँ और मैं आया हूँ आज एक अनोखे स्थान पर। मुझे पता नहीं था, पर श्याम जी भैया को ले जा रहा था जिम, तो रास्ते में ये मिला, तो यहाँ पर हम आए और वीडियो शूट करना शुरू कर दिए। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ भगवान ऋषभ देव दिगंबर जन्म मंदिर, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, जैन मंदिर। तो आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ का नज़ारा कुछ ऐसा है भाइयों। तो जो है नज़ारा वही हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी आपको दिखा रहे हैं कैमरा बैक करके कि कैसा अद्भुत नज़ारा है यहाँ का। तो मित्रों यहाँ जो पीछे का नज़ारा है हम दिखाना चाहते थे आपको, यहाँ पर अभी काफ़ी वर्कर्स हैं और काम भी चल रहा है यहाँ पर ज़ोरों शोरों से। तो आप लोग देख सकते हैं ऐसा है कुछ नज़ारा यहाँ का। तो मैं आपको अब चारों तरफ का नज़ारा दिखा देता हूँ एक स्थान पर खड़े होकर, और ये देख सकते हैं सामने ये मंदिर है छोटा सा, वहाँ भी ले चलेंगे आप सभी को। तो देख सकते हैं आप लोग कुछ ऐसा है नज़ारा, और यहाँ पर कुछ मतलब कार्यालय बने हैं श्री दिगंबर जैन अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के, जो कार्यकर्ता रहते हैं वो यहाँ पर हो सकता है प्रस्थान करते हों, रहते हों, और ये सब बने हुए हैं। आचार्य श्री देशम पूर्ण नीले, मतलब ऐसा कुछ नाम दिया गया है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं ये सब मतलब टूट गए हैं और यहीं पर नए किले का निर्माण किया जा रहा है। तो कुछ ऐसा है नज़ारा यहाँ का, और यहाँ पर निर्माण कार्य भी चल रहा है। तो मित्रों अभी आपको ले चलते हैं, कुछ और दिखाने की कोशिश है हमारी, तो चलिए दिखाते हैं कुछ और नज़ारा, और देख सकते हैं ऐसा है कुछ व्यू यहाँ का। अभी जो वो मंदिर दिख रहा है ना, वहाँ पर ले चलते हैं और आपको दिखाएंगे पास से मंदिर की, वो मंदिर कैसा है। और जैसा कि नाम हमने शुरू में ही बता दिया कि नाम क्या है, जैन मंदिर है। तो वही हम लोग जा रहे थे रास्ते में, तो हमें दिखा, तो हमने उसे दिखाने की कोशिश की कि चलिए भाई अपने दर्शक को ये दिखा दिया जाए। तो यहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ भी लगी हुई हैं, हो सकता है सेवा कार्यकर्ता लोगों का हो। और यहाँ पर काफ़ी मोटे मोटे सरिये भी गिरे हुए हैं, और वहाँ पर मतलब नलकुंप के नल के लिए कुछ बोरिंग वगैरह किया जा रहा है। और यहाँ पर काफ़ी ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है भाई, तो वही आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं मंदिर के पास, फिर आपको और दिखाने की कोशिश करेंगे कि और क्या काम चल रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पर लोहा लोकड़ सब पड़े हुए हैं, तो चलिए दिखाते हैं आप सभी को। तो मित्रों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ महल दिख रहा है, देखने में तो वही लग रहा है निर्माणाधीन विश्व शांति दिगंबर जैन मंदिर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं निर्माण कार्य तो चल रहा है भैया, और ये मंदिर काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा है। और यहाँ देख सकते हैं जेसीबी लगे हुए हैं, लेकिन एक बात ज़रूर है कि जब से काम शुरू हुआ है अयोध्या में लगातार ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है, काम रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और अब कुछ ही दिनों में अयोध्या एक नई उमड़ लेके आएगी, और एक नए उमड़ के साथ एक रोचक दृश्य के साथ आपको दिखाई देगी। और जब अयोध्या का निर्माण पूर्ण हो जाएगा तो हम वो वीडियो आपको दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि ऐसा निर्माण कार्य चल रहा है, श्री दिगंबर जैन 324 मंदिर देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी अद्भुत नज़ारा है यहाँ का। तो थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं, श्री ज्ञानमती माता जी, और ये ऐसा कुछ मंदिर है, और यहाँ काफ़ी संत लोग भी रहते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं और नज़दीक जाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है गढ़नी ज्ञानमती संत निवास, और यहाँ पर संत जी लोगों के निवास के लिए सब बनाया गया है। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी मंत्रों से बचाव के लिए यहाँ पर कुछ जाली टाइप लगाया गया है। तो काफ़ी मतलब अद्भुत नज़ारा है, और काफ़ी सुंदर दृश्य के साथ इसका निर्माण कार्य और सुंदर दृश्य के अधीनस्थ चल रहा है निर्माण कार्य। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अद्भुत नज़ारा है, और यहाँ रहे भैया श्याम जी और श्रवण भैया। तो देख सकते हैं आप लोग जो मंत्री मंडलाधस और सब हैं, उन सभी के पोस्टर लगे हुए हैं, और मंदिर का जो नज़ारा है वो काफ़ी अद्भुत है भाई। तो आप लोग देख सकते हैं ये है अंदर का नज़ारा, काफ़ी बड़ी मूर्ति बनी हुई है अंदर, तो आप लोग देख सकते हैं। तो काफ़ी अद्भुत नज़ारा है भाई, और देख सकते हैं भैया श्याम जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और श्रवण भैया, तो देख ही सकते हैं। और निर्माण कार्य तो दिखाई दिया हमने, ज़ोरों शोरों से चल रहा है, और ये रहा ऊपर का नज़ारा, तो अभी कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो हमारा ये वीडियो मित्रों यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, कोशिश हमारी कुछ अलग ही रहेगी। तो देखते हैं आप लोग इस वीडियो को कितना प्यार देते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो का हमने आपको
अनुपम दृश्य दिखाने की कोशिश की। तो करते हैं वीडियो का एंड। सभी को राम राम, जय श्री राधे कृष्ण।